और वो 11वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। कलकदानलो 6 विपक्षी पार्टियों के कैंडिडेट थे और प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां खत्म करके राष्ट्रपति के अपने हाथ में देनी थी। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे तुर्की के नए राष्ट्रपति सैयद तैयब अर्दोगान के बारे में। एक बार फिर तैयब अर्दोगान ने राष्ट्रपति पद का खिताब जीत लिया है और वो 11वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं और वो 52% वोट हासिल करके 11वीं बार चुने गए हैं। अर्दोगान 2003 से तुर्की का नेतृत्व कर रहे हैं। कलकदानलो 6 विपक्षी पार्टियों के कैंडिडेट थे जिनको हरा कर तैयब अर्दोगान ने जीत दर्ज की है। एक तरफ तैयब अर्दोगान थे और दूसरी तरफ 6 विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने अपना एक मुश्तरका कैंडिडेट खड़ा किया था। गौरतलब है कि तैयब अर्दोगान ने 2018 में तुर्की में संसदीय व्यवस्था के बजाय राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर दी थी और प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां खत्म करके राष्ट्रपति के अपने हाथ में दे दी थी, यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में सारी पावर दे दी थी और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद को भी समाप्त कर दिया था। 14 मई को राष्ट्रपति पद का वहां पर चुनाव हुआ था। दरअसल वहां पर तरीका ये है कि 50% से ज्यादा कोई कैंडिडेट अगर चुनाव में जीत हासिल करता है, यानी कि 50% ज्यादा वोट पाता है, तो उसे ही जीत कहा जाएगा, उसे ही विजयी घोषित किया जाएगा। दरअसल 49.5% वोट तैयब अर्दोगान को मिले थे तो इलेक्शन में किसी की जीत का फैसला नहीं हुआ था। अब तरीका ये कि इस बार चुनाव होगा जिसमें टॉप के दो लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए उन दोनों के बीच मुकाबला होगा। कलकदानलो को 45% और तैयब अर्दोगान को 9.5% वोट मिले थे, यानी कि आधे परसेंट वोट से तैयब अर्दोगान इलेक्शन हार गए थे। अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो तुर्की में ये कानून है कि 2 हफ्ते के अंदर दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे और इस प्रक्रिया को राउंड ऑफ किया जाता है जो टॉप के दो लोगों के बीच होता है। इसकी तारीख तय की गई 28 मई यानी कि कल ही चुनाव हुआ और कल ही इसका फैसला आ गया। तैयब अर्दोगान को 52% यानी 52% वोट मिले और अपोजिशन को 48% वोट मिले, यानी कि तैयब अर्दोगान ने ये चुनाव जीत लिया और 5 साल के लिए यानी कि तैयब अर्दोगान की दोबारा से सत्ता में वापसी हो गई। मुस्लिम जगत में खुशी की लहर है और इस जीत का ऐलान मस्जिद हाया सूफिया से किया गया और पूरे तुर्किया में जश्न मनाया गया कि लगातार वो 11वीं बार चुनाव जीत गए हैं।